नमस्कार, मैं दिव्या धनाधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिना जापरोवा इस वक्त भारत के दौरे पर है। उन्होंने दिल्ली में एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद दुनिया की निगाहें यूक्रेन जंग के समाधान के लिए दिल्ली पर टिक गई है। जापरोवा ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता भारत पर अतिरिक्त जिम्मेदारी लाती है। यात्रा के दौरान मेरा संदेश यह है कि आइए हम भारत में आयोजित होने वाले G20 20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के अधिकारियों की भागीदारी पर विचार करें। सितंबर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेरे राष्ट्रपति को भी यूक्रेनी लोगों की ओर से बोलने में खुशी होगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गाला डिनर में बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मैं एक ऐसी भूमि से हूं जहां हमारे पास दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वहां से आईफिल टावर की भूमि पर आया हूं। मुझे लगता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आईफिल टावर लोकतंत्र, एकता, विविधता की प्रतिबद्धता, वैश्विक व्यापार नियमों के सिद्धांत आदि की साझा मूल्यों के साथ हमारे प्यारे देशों और लोगों के साथ लाते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं आपको आपके बोर्ड के सदस्यों के साथ भारत आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। फ्रांस के लोग पर्यटक के रूप में और निवेशक अच्छा रिटर्न पाने के लिए भारत आ सकते हैं। ट्विटर के मालिक और अरबपति एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि ब्लू टिक हटाने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ट्विटर पर नीले टिक के साथ सत्यापित खाता है तो आपको ब्लू टिक रखने के लिए आपको भी भुगतान करना होगा। केवल वे खाते ही ब्लू टिक चेकमार्क रख सकेंगे जो ट्विटर ब्लू के सदस्य होंगे। गर्मियों की छुट्टियों में हर कोई हिल स्टेशन पर जाकर प्रकृति का आनंद लेना चाहता है। हालांकि इस बार इन जगहों पर कोरोना संक्रमण का प्रसार अधिक होने की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि छुट्टियों पर जाने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षा का ढांचा जो कि पहले N+2 हुआ करता था वही अब 4 स्टेज के हिसाब से चलेगा। शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सरकार की ओर से शिक्षा नीति को लागू करते हुए स्कूली शिक्षा को बदलने की बात भी कही गई थी। इसमें कहा गया था कि बच्चों को अब रटंत विद्या के बजाय प्रयोगात्मक ज्ञान को माध्यम से सिखाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में होने वाले सड़क हादसों पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश भर में हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की जान लेने वाली सड़कें दुर्घटनाओं से बचने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। वह अपने मंत्रालय से दूरी परियोजनाओं के मुआयने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा एक जरूरी मुद्दा है, इस पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक में अमूल और नंदिनी ब्रांड के बीच जबरन समन्वय करने की घोषणा बीजेपी द्वारा राज्यों में डेयरी सहकारी संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र और एक दूध का नारा दे। 5 अप्रैल को अमूल द्वारा बेंगलुरु में दूध और दही की आपूर्ति करने की घोषणा के बाद चुनावी राज्य कर्नाटक में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि कर्नाटक 21,000 करोड़ रुपए के नंदिनी ब्रांड का अमूल के साथ विलय किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवले के जमीन के बदले नौकरी मामले में दोषी करार लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था लेकिन इस पर हमेशा एक राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। इस दौरान स्वार्थ देखकर यह किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा। हालात ये थे कि रेलवे की भर्तियों में भ्रष्टाचार होता था, गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें नौकरियों का झांसा दिया गया। भारत में श्रम सुधारों की जरूरत को रेखांकित करते हुए डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आलोक बी श्रीराम ने कहा है कि देश एक अनुकूल स्थिर और कारोबार के लायक माहौल उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक प्रमुख वजह है कि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। विनिर्माण कंपनियां डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज के सीईओ फिक्की के व्यापारिक प्रतिमंडल के साथ यहां आए हैं। श्रीराम ने कहा है कि यहां उन्होंने भारत आए और भारत के निवेश के माहौल के बारे में बहुत उत्साह देखा है। सरकार द्वारा किए गए सुधारों और देश में कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के प्रयासों के बीच भारत एक अवसरों की भूमि के रूप में उभरा है। उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष सूर्यकांत पांडा ने यह बात कही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत आज जहां है उसके कुछ कुछ कारक हैं। इनमें एक वजह यह है कि COVID-19 महामारी के दौरान भी भारत में सुधार जारी रहे। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना की वजह से 6,000 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं अब तक कुल 37,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना का खौफ दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र लेकर केरल तक देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने पुराने कोविड टीके को बेअसर होने की बात भी कह दी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक जब शुरुआत में भारतीय टीकों का परीक्षण किया गया था तो वे करीब 80-90% तक संक्रमण से सुरक्षित करने में सक्षम थे लेकिन अब नए कोरोना केस के सामने से पुराने टीके प्रोटेक्ट रखने के काबिल नहीं है। तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बलिंग की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध राज्य के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा एक विधेयक को मंजूरी देने के बाद लागू किया गया है।
ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के आरोप में पकड़े जाने पर अब राज्य में 3 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने उद्बोधन में कहा है कि यह देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है जो राजस्थान के पहले वंदे भारत ट्रेन में है। यह सेकेंड जनरेशन ट्रेन है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वंदे भारत ट्रेन प्रीफेस को देने और राजस्थान को 9,000 करोड़ से ज्यादा का रेल बजट देने पर भी आभार प्रकट किया है। चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए भारत G20 और Y20 की बैठक ले और श्रीनगर में आयोजित कर रहा है। भारत के इस फैसले पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत श्रीनगर और ले में G20 की बैठक आयोजित कर अपने एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में CBI और ED द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए 2 मामलों को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जैन ने मंगलवार को दोनों मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश विकास ढूल को बताया है कि उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामलों को स्थानांतरण करने के लिए आवेदन दायर किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। IMF के एशिया और प्रशांत विभाग की उपनिदेशक एनी मैरी गुल्डे वुल्फ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था बनी हुई और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मानवीय आधार पर सहायता के लिए मदद मांगी है। भारत के दौरे पर आई यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिन जापरोवा ने मंगलवार को राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी को यह पत्र सौंपा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पत्र में भारत से अतिरिक्त दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को भेजे जाने की मदद करने का अनुरोध भी किया है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के समय उनके देश में पड़े भारत के मेडिकल छात्रों को राज्य में उनकी योग्यता के परीक्षा देने की अनुमति देगा जिनको युद्ध शुरू करने के बाद भारत आना पड़ा था। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता सोनू सूद का साथ मिल गया। सोनू सूद ने ट्वीट कर मनीष कश्यप को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मनीष ने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। ट्विटर पर सोनू सूद ने लिखा है कि जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं उसने हमेशा बिहार के लोगों के लिए भले के लिए ही आवाज उठाई है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ा है। न्याय और कानून से ऊपर हमेशा हमारे देश में कुछ नहीं, जो भी होगा सही ही होगा। पहली बार भारत और अमेरिकी वायुसेना के अभ्यास में अमेरिका का बम वर्षक विमान B-1B शामिल होगा। B-1B अमेरिकी वायुसेना के सबसे पावरफुल विमानों में से एक है। सोमवार से शुरू हुए इस अभ्यास का नाम कोप इंडिया रखा गया है जिसका लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखना है और खतरों को रोकना है। चीन को लेकर जो वर्तमान हालात है उसे ध्यान में रखते हुए यह अभ्यास किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमेरिकी कारोबारी समुदाय से मंगलवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज पारदर्शी, खुली और देखने योग्य है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के एक बैठक को संबोधित करते हुए सीतारमन ने शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि ये पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे डिजिटलीकरण सहित पथ प्रदर्शक और भविष्य के सुधारों के परिणाम है। बिहार के मुजफ्फरपुर में CJM कोर्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, अभिनेता आमिर खान, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, पूर्व भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान और BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली पर मुकदमा दायर किया गया है। इन क्रिकेटरों और फिल्म अभिनेताओं पर गेमिंग ऐप के द्वारा टीम बनाकर खुलेआम जुआ खेलने का आरोप लगाया गया है। इन लोगों का आरोप लगते हुए सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने कहा है कि ये लोग ड्रीम 11, MPL सहित कई गेमिंग ऐप का प्रचार प्रसार काफी मोटी रकम को लेकर कर रहे हैं। इन क्रिकेटर और अभिनेता को अपना आदर्श मानकर इस गेमिंग ऐप में अपना पैसा लगाकर पैसे को गंवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बदगाम में अपने हेलीकॉप्टर को मार गिराने के मामले में जनरल कोर्ट मार्शल ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी को बर्खास्त करने का आदेश दिया। 2019 में बालकोट एयर स्ट्राइक के ठीक एक दिन बाद हुई इस घटना में 6 अफसर समेत 7 की जान चली गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को अमेरिका में विश्व व्यापार संगठन को लगभग आईना दिखाते हुए कहा है कि भारत चाहता है विश्व व्यापार संगठन और अधिक प्रगतिशील हो, सभी देशों की बात सुने और सभी सदस्यों के प्रति निष्पक्ष रहे। रेलवे ने 11 अप्रैल को जारी एक नोटिफिकेशन में बताया कि 8 रेलवे जोन में 217 समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें कुल 4010 फेरे लगाएंगी। रेलवे द्वारा जारी की गई सूची में सबसे ज्यादा 69 स्पेशल ट्रेनें साउथ वेस्ट रेलवे को मिली है। इस जोन में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र के कुछ स्टेशन आते हैं। इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे को 48, वेस्ट रेलवे को 40, दक्षिण रेलवे को 20 और उत्तर पश्चिम रेलवे को 16 ट्रेनें मिली है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट आज अमृतपाल सिंह के कानूनी सलाहकार इमान सिंह खाड़ा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने उनसे अमृतपाल के अवैध रूप से पुलिस हिरासत में होने के सबूत पेश करने को कहा था। इससे पहले कोर्ट ने 28 मार्च को याचिका पर सुनवाई करते हुए इमान सिंह को यह बताने को कहा था अमृतपाल को किस थाने में हिरासत में रखा गया है। हालांकि अमृतपाल ने 29 से 31 मार्च के बीच के अपने दो वीडियो को और एक ऑडियो क्लिप शेयर किए थे, जिसे देखने सुनने से लग रहा था कि वह पुलिस हिरासत में नहीं है। कर्नाटक के लोकप्रिय दूध ब्रांड नंदिनी के साथ बाजार में संघर्ष को लेकर राजनीतिक विवाद में फंसने के बीच अमूल ब्रांड के तहत दुग्ध उत्पादों की बिक्री करने वाली गुजरात की सहकारिता कंपनी के प्रमुख ने मंगलवार को कहा है कि वह बेंगलुरु में केवल ऑनलाइन चैनल के जरिए दूध और दही बेचेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नंदिनी दूध के साथ उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। नंदिनी दूध राज्य सरकार की सब्सिडी की वजह से सस्ता बैठता है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक जैन मेहता ने कहा है कि अमूल बनाम नंदिनी परिदृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सहकारी समितियां किसानों के स्वामित्व वाली हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ मोहन भागवत मस्जिद जा रहे हैं, अब वे मदरसों में जाकर कव्वाली को सुनने वाले हैं। दूसरी ओर वे कहने जा रहे हैं कि बाबरी को हमने नष्ट किया था, वास्तव में यह हिंदुत्व क्या है? मैं कहता हूं हमारे हिंदुत्व को सर नहीं आनी चाहिए, हमारा हिंदुत्व ही हमारी राष्ट्रीयता है। बीजेपी को एक बार स्पष्ट कर देना चाहिए कि वास्तव में हिंदुत्व क्या है। पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक कई युद्ध हो चुके हैं, इनमें 1965 और 1971 का युद्ध भी शामिल है। इसी बीच पाकिस्तान के इतिहास के प्रोफेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में वे बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब तक भारत से एक भी युद्ध नहीं जीत सका। ये सारी बातें बेतुकी है। पाकिस्तानी प्रोफेसर ने बताया कि साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के रहने वाले बंगालियों पर बहुत ही जुल्म किया था। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पीएसयू बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करके पीएम किसान निधि के लिए लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू कराने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसी का नाम लिए बगैर ही कुछ प्रदेशों की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश ने बिना शोर मचाए और विज्ञापनों पर एक भी पैसा लुटाए बगैर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंची छलांग मारी है। ऐसी सफलता के लिए शिक्षा के प्रति भक्ति भाव की सर्वाधिक आवश्यकता है। पीएम ने यहां आयोजित नवनियुक्ति शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के लगातार प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में 17वें पायदान से छलांग लगाते हुए 5वें पायदान पर अपना स्थान बनाया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, संजय चौधरी, एचके मल्होत्रा, दीपक कुमार एमडी, अनवर आलम और लव बैठा। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार नई शिक्षा नीति बच्चों के लिए कितनी लाभदायक होगी? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।